नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी स्वागत करता हूं अधिगमन चैनल पर। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को, उसकी तैयारी में आप सभी जुटे हुए हैं, ठीक है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें जो विषय पूछे जाने हैं उसमें सामान्य हिंदी आने वाली है। सामान्य हिंदी की यदि हम बात करें तो 5 + 10 इस तरह से नंबर डिवाइडेड हैं। 5 नंबर की बात करें तो ग्रामर में से आएंगे, व्याकरण में से, और 10 नंबर के पैसे जाएंगे। तो सामान्य हिंदी में आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है जहाँ पे हिंदी। लेकिन हम यूपी ट्रिपल एससी पैट की यदि हम बात करें तो पैट में जो पूछे जाने वाला है सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट, उसे आज हम करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, आइए उसे देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज हम करने वाले हैं संधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संधि शब्द से जैसा पता पड़ चल रहा होगा, संधि की यदि हम बात करें तो सबसे पहले संधि के शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है। दो चीज़ों का यदि हम मेल की बात करें या मिलन की बात करें, अब मेल किसका है उसे देखते हैं, परिभाषा से देखेंगे हम। संधि की परिभाषा की यदि हम बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि का मतलब होता है मेल, यानी कि मिलान। परिभाषा देखते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। दो निकटवर्ती वर्ण, दोस्तों यहाँ पे वर्ण की बात आ रही है, दो वर्णों के मिलन से एक नया वर्ण तैयार हो, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन आता है, तो उस प्रक्रिया को या उस स्थिति को संधि कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर शब्दों का मेल ना होकर वर्णों का मेल है, वर्णों के मेल से एक तीसरा, एक नया वर्ण का निर्माण होता है, उसे संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे पराधीन, अत्यधिक, निर्धन, अधोगति, ग्रीष आदि, ये कुछ संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। ये एक वर्ण के दूसरे वर्ण से संधि करके ये शब्द निर्मित हुए हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं संधि को और अच्छी तरह से। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मेल, निकटवर्ती वर्णों का मेल कह सकते हैं। परिभाषा में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वर्णों का जो आपस में मिलन होता है, जिससे परिवर्तन आता है, उससे कोई भी विकार आता है या नया वर्ण बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संधि के भेद। संधि की हम बात करते हैं तो हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संधि के भेद की हम बात करते हैं। संधि के कौन कौन से भेद हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि क्या है, संधि की बात करें तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहले की बात करें तो स्वर संधि, दूसरे की बात करें व्यंजन संधि, और तीसरे की बात करें तो विसर्ग संधि। अब ये तीनों होती क्या हैं उसके बारे में, इनका निर्माण, इनकी स्ट्रक्चर, किस तरह से वर्णों में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे देखते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि क्या है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने बात की यानी कि वर्णों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे, लेकिन स्वर संधि में जो दोनों वर्ण मिलेंगे वो दोनों स्वर होंगे, ठीक, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आप सबको विदित है कि स्वर, हिंदी वर्णमाला की यदि हम बात करें तो हमारे 11 स्वर होते हैं। तो इस प्रकार की यानी कि स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का मिलन होगा, उससे नए किसी तीसरे स्वर का निर्माण होगा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, दूसरी आती है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है,
व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यानी कि व्यंजन संधि में पहला जो वर्ण रहेगा वो व्यंजन रहेगा, उसके बाद जो दो वर्ण मिलेंगे यानी कि पहला तो व्यंजन रहेगा हमेशा, उसके बाद दूसरा स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। यदि वो आपस में मिलते हैं उसके बाद से जो तीसरा व्यंजन का निर्माण होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। हिंदी वर्णमाला आप जब पढ़ते हो तो उसमें हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसके बाद विसर्ग लगता है। ठीक है, जैसे अयोग वाक्य यदि हम बात करें तो उसमें विसर्ग होता है। तो विसर्ग संधि क्या है उसे देख लेते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। दोस्तों संधि के यदि हम बात करें तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि मेल। संधि का मतलब जोड़ने से है। तो विसर्ग के बाद यदि दूसरा कोई भी वर्ण स्वर आता है या व्यंजन आता है उसके बाद उस विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो नया वर्ण बनता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की संधि के भेद, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। स्वर संधि हो गई, संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहली स्वर संधि, स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा, जो तीसरे वर्ण का निर्माण होगा वो भी स्वर होगा। स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं, क्लियर। इसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की हमने बात की, पहला जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, उसके बाद जो दूसरा व्यंजन होगा वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जो उसमें जो परिवर्तन आएगा, नया व्यंजन का जो निर्माण होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी की हमने बात की विसर्ग संधि, यानी कि शब्द में आपने देखा होगा पीछे विसर्ग लगता है, तो विसर्ग के बाद स्वर आए अथवा व्यंजन आए उसके बाद जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको तीनों संधि क्लियर हो गए होंगे। अब हम टॉपिक वाइज वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है वो यहाँ से क्लियर हुई। इसके बाद इसके पांचों प्रकार देखते हैं। तो ये स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के यदि भेद की हम बात करें, यानी कि जो हमारी पहली स्वर संधि है जिसके हमने पांच भेद बताए उसे वन बाय वन एक एक करके देखते हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले की यदि हम बात करें तो पहली होती है दीर्घ संधि, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। दोस्तों दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसा कि आप पढ़ते हैं स्वर, जब आप पढ़ते हैं तो छोटा और बड़ा यानी कि ह्रास और दीर्घ, दो तरह के स्वर होते हैं। तो दीर्घ संधि बेसिकली क्या होती है उसे देखते हैं। ह्रस्व दीर्घ यानी कि अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या फिर दीर्घ आ ई उ स्वर आए, तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। दीर्घ संधि बेसिकली क्या होती है, दीर्घ संधि में जो नवीन वर्ण बनेगा वो दीर्घ ही स्वर बनेगा, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ मतलब जो बड़ा होता है, बड़ा आ हो गया, आ से आम जिसे हम कहते हैं, बड़ी ई हो गई जिसे बड़ी से ईक, और बड़ा ऊ जिसे हम ऊन कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इनका निर्माण होगा। अब दो वर्ण कौन से मिलेंगे, या तो छोटा स्वर कोई भी आ सकता है यानी आ ई ऊ, ठीक, या फिर दो वर्णों का जो मिलन होगा उसमें दीर्घ स्वर भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। ठीक, तो उन दोनों के मिलन से या उन दोनों के जुड़ने से एक तीसरा जो स्वर या वर्ण का निर्माण होगा हमेशा बड़े ही यानी कि दीर्घ स्वर ही वो बनेंगे, आ ई ऊ यानी कि आम ईक और ऊन, ये स्वर ही हमेशा से
बनते हैं। तो ये रही दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण से समझते हैं दीर्घ संधि किस तरह से बनती है। तो उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण देख लेते हैं। देव प्लस अर्चन बराबर हो जाता है देवार्चन। उदाहरण अच्छी तरह से समझते हैं। देव प्लस अर्चन बराबर हो जाता है देवार्चन, यानी कि यहाँ पे दो शब्दों के दो वर्ण मिलते हैं, आपस में एक तीसरे नए वर्ण का निर्माण हो जाता है। पहले को समझने की कोशिश करते हैं। पहले यदि हम देव की बात करें तो देव में पहला वह आया, वह का मतलब वह जो व्यंजन है, वह प्लस ए। प्रत्येक व्यंजन में आ हमेशा से विद्यमान होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो करेंगे आ प्लस आ। अर्चन की बात करें तो वहाँ भी आया है, देव में भी आया है, तो यहाँ पे हो जाता है छोटा आ और छोटा आ बराबर जो नए वर्ण का निर्माण होगा वो हो जाएगा आम, यानी कि बड़ा आ। देव प्लस अर्चन बराबर हो जाता है देवार्चन। तो यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने दीर्घ संधि में बताया। कोई भी दो वर्ण, चाहे वो छोटा हो और बड़ा हो, यदि वो आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो तीसरे एक वर्ण का निर्माण होगा, वो हमेशा से दीर्घ यानी कि बड़ा होगा। बड़े की बात करें तो आ हो गया हमारा आम, बड़ी ई हो गई ईक, इसके बाद बड़ा उ हो गया ऊन। ठीक, तो इन तीनों का निर्माण होगा, यही हमारी दीर्घ संधि होती है। और एग्जांपल देखते हैं। देव प्लस आलय बराबर देवालय। इसमें पहले आ फिर बड़ा आ यानी कि आ, इन दोनों का जुड़ाव हुआ है और नए वर्ण का निर्माण हुआ है, वो है हमारा आम। ठीक, इसी तरह से सारे के सारे एग्जांपल आप देखते हैं। ग्री प्लस ईस बराबर ग्रीस। इसमें पहले छोटी ई प्लस बड़ी ई, दोनों वर्णों के मिलन से जो नया वर्ण बना है वो बड़ी से ईख बनी है, तो इसलिए ये होगा ग्रीस। ग्रीस में यदि हम बात करें तो वहाँ पे र पे पहले छोटी ई थी, उसके बाद बड़ी ई हो जाती है ग्रीस। क्लियर। इसके बाद बात करें रजनी प्लस ईस रजनीस, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर, शरण प्लस अर्थी शरणार्थी, महा प्लस आनंद महानंद, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। ठीक है, तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र। इस तरह से आप एग्जांपल में देखेंगे, रवि प्लस इंद्र में यदि हम बात करें तो पहले छोटी ई आई है लास्ट में देखते हैं, उसके बाद दोबारा से छोटी ई आई है इंद्र में, दोनों के वर्णों के निर्माण से बड़ी ई का निर्माण हो जाता है, तो ये यहाँ पे बन जाती है हमारी रविंद्र। रविंद्र वह पे बड़ी ई आ जाती है। क्लियर, तो इस तरह से हमारी दीर्घ संधि काम करती है। अब आप बड़ी आसानी से और क्लियरली किसी भी वर्ण को पहचान सकते हैं, कौन से शब्द में कौन सी संधि है, या उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक, तो ये रही हमारी पहली संधि। पहली संधि की हम बात करें, स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहली होगी हमारी दीर्घ संधि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि दूसरी आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट, गुण संधि देखते हैं। ये गुण बताएगी, कुल मिला के गुण संधि कैसे गुण बताएगी उसे समझते हैं। यदि ए और आ के बाद ई ई उ रि स्वर आए तो दोनों के मिलन से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, यानी कि इन तीन नए वर्णों का निर्माण होगा, ए से एड़ी औ से औरत और ये अर, ये तीनों वर्ण बनेंगे। गुण संधि में बेसिकली आएंगे कौन कौन से, यदि अनार बड़ा से आम के बाद कोई भी स्वर आता है, स्वर संधि है, तो स्वर ही आएंगे, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री ऋषि जिसे हम कहते हैं री, कोई भी आ सकता है, तो उनके मिलन से जो क्रम से बनने वाले वर्ण होंगे वो एड़ी औरत और अर ये हो जाते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र,
कमल प्लस ईश बराबर कमलेश, नर प्लस इंद्र की यदि हम बात करें तो पहले नर में बात करें तो पहले आया है हमारा आ से अनार, क्लियर, पहले आ गया। प्लस उसके बाद इंद्र की बात करें तो छोटी ई आ गई। उसके बाद जो नया नवीन वर्ण बनता है वो बन जाता है हमारा ए, यानी कि एड़ी। तो अब हम यहाँ पे बात करें नर प्लस इंद्र बराबर हो जाता है नरेंद्र। इसी तरह से सारे के सारे उदाहरण आप देख पा रहे हैं, कमल प्लस ईश बराबर कमलेश, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश, यानी कि ओ हो जाएगा यहाँ पे हित। हित की यदि हम बात करें तो इसमें आ आया पहले ऐसे अनार, उसके बाद उपदेश, उपदेश में आया ऊ, आ और ऊ बराबर हो जाते हैं ओ, यानी कि ओखली। तो कुल मिला के ये हो जाता है वर्ण हितोपदेश, क्लियर। इसी तरह से देव प्लस ऋषि देव ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। तो गुण संधि की ये विशेषता है, ठीक। जैसे कि महर्षि हो गए, कमलेश हो गया, महेंद्र हो गया, हितोपदेश हो गया। तो यहाँ पे जो भी नवीन वर्ण बनेगा वो एड़ी बनेगी, यानी कि ए, औ यानी कि और अर, ये तीनों वर्ण हमारे बनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट संधि का तीसरा प्रकार, तीसरे भेद की हम बात करें तो तीसरी होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि में यदि हम बात करें, हमारे जो स्वर हैं आ, बड़ा आ, ए और ऐ, यानी कि ऐनक, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा ऐनक बनता है, यानी कि आ और बड़ा आ, प्लस औ और ओ और औ मिलते हैं तो हमेशा निर्माण जो होगा वो औ का होगा। तो पहले हमने बात की ए से एड़ी बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो नवीन वर्ण का निर्माण होगा ऐ से ऐनक और औ से औरत, इन दोनों वर्णों का निर्माण होता है। जैसे सदा प्लस एव बराबर सदैव, पहले सदा की बात करें तो इसमें आया है, एव की बात करें तो इसमें ए आया है, आ प्लस ए बराबर आई हो जाती है, इसलिए सदैव दो मात्रा वाला बन जाता है। नेक्स्ट डी हम बात करें एक प्लस एक बराबर एक एक, क्लियर। धन प्लस ऐश्वर्य बराबर धनेश्वर्य, वन प्लस औषध बराबर वन औषधि, ठीक है। वन प्लस यहाँ पे ए आया, औषधि की यदि हम बात करें तो ओ आया, नया वर्ण बन जाता हमारा औ, औ से औरत। तो यहाँ पे वन प्लस औषधि का हो जाएगा वन औषधि, महा प्लस औसत का हो जाएगा महा औसत। तो कुल मिला के जो तीसरी हमारी संधि है वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में जो नया वर्ण बनेगा वो हमेशा से ऐ से ऐनक और औ से औरत बनते हैं, क्लियर। जहाँ जब भी कवि छोटा आ बड़ा आ प्लस ए से एड़ी और आई से ऐनक आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं, ये वर्ण मिलते हैं तो आई से ऐनक का निर्माण होता है, क्लियर। छोटा आ बड़ा आ प्लस औ से औरत और ओ से ओखली मिलते हैं तब भी औ से औरत का निर्माण होगा। तो इस तरह से सदा प्लस एव सदैव, एक प्लस एक बराबर एक एक, धन प्लस ऐश्वर्य बराबर धनेश्वर्य, वन प्लस औषधि बराबर वन औषधि, महा प्लस औषध बराबर महौषध, ठीक। तो वृद्धि संधि की हमने बात की, वृद्धि संधि के बाद चलते हैं नेक्स्ट चौथी की यदि हम बात करें। दोस्तों ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी का हम संधि कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी जहाँ भी आती है संधि से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पैट की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो कि 20 अगस्त को होना है, 20 अगस्त 2021 को, बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यदि हम देखें तो। संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, वन बाय वन एक एक टॉपिक हम करेंगे। सबसे पहले हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो हम कर रहे थे बात स्वर संधि, संधि की बात की। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में पाँच प्रकार की, ठीक है, तीन संधि हम कर चुके हैं। पहले की यदि हम बात करें तो पहली होती है हमारी दीर्घ संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण संधि, नंबर तीन वृद्धि संधि, नंबर चार
यण संधि। अब हम चलते हैं नंबर चार, यण संधि। यण संधि क्या है? यण संधि की यदि हम बात करें तो इसमें छोटी ई और बड़ी ई आती हैं, ठीक। उसके बाद कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर की यदि हम बात करें यानी कि दूसरा जो वर्ण आएगा, पहले यदि छोटी ई आ रही है और बड़ी इसे ई खा रही है, उसके बाद जो दूसरा वर्ण होगा इनसे हटके होगा, चाहे वो ए हो सकता है, आ हो सकता है, ठीक है, री हो सकती है। इस तरह से यदि ई, छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई स्वर आए तो वहाँ पे जो निर्माण होगा, जो नवीन वर्ण बनेगा, वो बनेगा या। क्लियर? आप बिल्कुल इसे याद रख सकते हैं, ये छोटी सी एक, इसे याद करने का इसका एक लक्षण कह सकते हैं। यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी और स्वर इनसे मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे वा बनेगा। यदि री के बाद और कोई स्वर मिलता है तो वहाँ पे रा बन जाएगा। तो यण संधि की हम बात करें तो इसमें तीन वर्ण हैं जिनका निर्माण होता है, यानी कि या, वा और रा। यदि इन तीनों का निर्माण आए, बनता है किसी वर्ण में, किसी भी शब्द में, तो वहाँ पे यण संधि होगी, यानी कि यण स्वर संधि। कुछ एग्जांपल देखते हैं यण स्वर संधि की। यदि हम बात करें, जैसे पहला एग्जांपल की हमने बात की, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक से बनता है अत्यधिक। देवी प्लस आगमन से बनता है देव्यागमन। सु प्लस आगत से बनता है स्वागत। पितृ प्लस अनुमति से बनती है पितृअनुमति। मात्र प्लस आज्ञा से बनती है मात्राज्ञा। तो हमने बात की यहाँ पे या, वा और रा तीन वर्ण बनते हैं, नवीन जो वर्ण बनेंगे वो तीन बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अति प्लस अधिक। अति की यदि हम बात करें तो इसमें पहले छोटी ई आई है, ये रही हमारी छोटी ई। प्लस अधिक की बात करें तो आ आया। हमने बात की छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर यदि आता है तो वहाँ पर या का निर्माण होता है, पहले एग्जांपल में ये देखा हमने। दूसरे की यदि हम बात करें, देवी प्लस आगमन बराबर देव्यागमन, तो बड़ी ई प्लस आ आया है, यहाँ पर भी या का निर्माण हुआ है। जैसे देव्यागमन हो गया, अत्य अधिक हो गया, अति प्लस अधिक अत्यधिक। सु प्लस आगत, पहले में छोटा ऊ आया है उसके बाद आ आया है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पे वा का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पे स्वागत हो गया। यहाँ पे ऊपर वाले में बात करें तो वहाँ पे तो देव्यागमन हो रहा था, यानी कि या का निर्माण हो रहा था। पितृ प्लस अनुमति, यहाँ पे पितृ अनुमति हो जाता है, यानी कि री प्लस आ बराबर यहाँ पे रा का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, री प्लस आ बराबर यहाँ पे रा का निर्माण हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हमारा ये ख़त्म होता है यण संधि। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारी फिफ्थ, यानी कि पाँचवीं की यदि हम बात करें तो पाँचवीं हमारी अयादि संधि। स्वर संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अयादि संधि में यदि हम बात करें, यानी कि ए और आई जो वर्ण मिलेंगे, ए आई आएगा, ओ और औ आएगा पहले वर्ण, इनके बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है, ए और आई के बाद कोई भी स्वर यदि मिलता है तो आय प्लस आय, ये दो वर्ण बनेंगे। ओ प्लस औ के बाद कोई भी स्वर मिलता है तो अब और आव, इसकी ये पहचान है। इसमें ये चार नए वर्ण या फिर हम कह सकते हैं शब्द बनते हैं, इस तरह की आवाज़ आएगी उस शब्द में। ए और आई के बाद यदि कोई स्वर मिलता है तो यहाँ पे आय और आय हो जाएगा, ओ प्लस औ मिलता है तो वहाँ पे अव और आव हो जाएगा। कुछ उदाहरण से देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ने प्लस अन बराबर हो जाता है नयन, ने प्लस अन बराबर नयन। अब इसे देखते हैं, ने में यदि हम बात करें तो ए आया, यानी कि ए से एड़ी। प्लस अन की बात करें तो यहाँ पे आ आया, ए प्लस अ बराबर होगा आय। हमने बात की यहाँ पे आई की आवाज़ आएगी, तो ये हो गया हमारा नयन। नयन में यदि हम आवाज़ की बात करें तो नयन, यानी कि आय की आवाज़ आती है, इसलिए ये हो जाता है नयन। नई प्लस अक, नई प्लस अक, यानी कि यहाँ पे आई से ऐनक, ये आई से ऐनक प्लस अ मिला तो यहाँ पे हो गया हमारा आय। आय की आवाज़ आएगी, इसे
इसलिए ये बन जाता है नायक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं पो प्लस अन। पो प्लस अन यानी कि ओ प्लस आ, ओ प्लस आ यदि मिलता है तो वहाँ पर हो जाता अब। अब की आवाज़ आएगी यानी कि पाव पवन, ये पवन का निर्माण हो जाएगा। यानी कि पवन को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, पवन शब्द का, नायक शब्द का, नयन शब्द का, तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा यानी कि पौ प्लस अन। क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पौ प्लस अन। पौ प्लस अन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे औ से औरत और आ मिलते हैं तो यहाँ पे आव की आवाज़ आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा पावन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, यानी कि भाव प्लस अक। भाव प्लस उक, भाव प्लस उक यानी कि यहाँ पे औ प्लस छोटा उ दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे आव की आवाज़ आएगी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी भावुक। यहाँ पे उ आ रहा है इसलिए वहाँ पर उ की आवाज़ आ जाएगी, यानी कि मात्रा चढ़ जाएगी आव, तो यहाँ पे उ की मात्रा, ये हो जाएगा हमारा भावुक। क्लियर। तो यहाँ से ये हमने बात की पांचों संधियों की। स्वर संधि पांच तरह के होती हैं। आई होप यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि यहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो हमारे इस सेशन को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।